हम बात करेंगे फर्जीवाड़े की, यार हद होती है कि चलो फर्जीवाड़े तो आपने भी देखे होंगे, लेकिन इतने ज्यादा फर्जीवाड़े इतने बड़े स्तर पे हो नहीं सकता। 41, जी हाँ साथियों, 41 उन लोगों के पासपोर्ट बना दिए जो हकीकत में दुनिया में नहीं है, उनके नाम से क्रिमिनल लोगों ने पासपोर्ट बना लिए। 41 में बता दूं, लगभग 90% वो लोग हैं जिनके ऊपर पुलिस के चार्जेज हैं, उनमें से काफी सारे तो मोस्ट वांटेड हैं जिनको पुलिस ढूंढती फिर रही है, उनमें से काफी सारे वो भी हैं जो गैंगस्टर है, बड़ी बड़ी गैंग चला रहे हैं। जी हाँ साथियों, उन जैसे लोगों के पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ गद्दारों की वजह से 41 पीपल्स के पासपोर्ट बना लिए। जब पुलिस ने इनका पता लगा, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था उसी से रिलेटेड है ये वीडियो, पुलिस ने उस वीडियो में मैंने बताया था कि पुलिस अभी जांच कर रही है, दो कांस्टेबल को पकड़ लिया गया है, उनके साथ में एक रमन नाम का एक दलाल होता था, उसकी वजह से पूरा सिस्टम हुआ। उनका नेटवर्क था उन लोगों से जो फर्जी पासपोर्ट बनाना चाहते थे, ठीक है, जैसे उसमें गैंगस्टर हो गए या फिर तड़ीपार या जिनके मुकदमे लगे, जिनका पासपोर्ट नहीं बन सकता था, उन लोगों को वो मोटा पैसा लेता था, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए लेके उन्होंने पासपोर्ट बनाया। अब उनका सिस्टम देखिए, पासपोर्ट बनाने का सिस्टम देखिए, पासपोर्ट मान लीजिए गैंगस्टर, उसका पासपोर्ट बनाना है तो उसके एड्रेस के नाम से, उसके नाम से तो बनेगा नहीं, उसके लिए वो ऐसा कोई बंदा ढूंढते हैं जिसके नाम से डुप्लीकेट आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर उनका वोटर आईडी, जो भी उनके डॉक्यूमेंट, राशन कार्ड वगैरह, आपको पता है 3 से 4 डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट बन जाता है, वो 3 से 4 डॉक्यूमेंट पूरे नकली बनाते और उन पे जो एड्रेस होता उनके नाम से उनकी पासपोर्ट दूसरा बना देते। जी हाँ, फोटो लगा के वेरिफिकेशन भी फिर करता कौन, रमन के साथ एक कांस्टेबल, पासपोर्ट वेरिफिकेशन ऑफिसर जो आपको बताया मैंने पिछले वीडियो में, जो कांस्टेबल था राजेंद्र के पास वो लेकर आता था। जी हाँ, जीरकपुर जो पुलिस स्टेशन है वहां पे मुंशी सतवंत है, वो उनको क्रॉस चेक करता था, यानी उनके हाथ में था पूरा जो पासपोर्ट बना के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देते तो फिर डॉक्यूमेंट वापस कहां से ले जाते, पासपोर्ट ऑफिस में, और इस तरह से वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे थे। पुलिस ने फिर दोनों कांस्टेबलों को वो पकड़ा, उनकी कुटाई हुई, उनको डिसमिस तो कर दिया, वो उनको निकाल दिया जॉब से, तो जॉब तो उनको गया, उनको पकड़ के उनसे पूछताछ की तो उन्होंने पूरा माजरा खेल के बताया कि अब तक हमने 41 फर्जी लोगों के पासपोर्ट हम बना चुके हैं, जिनमें से 90% दो क्रिमिनल हैं जिनके मुकदमे लगे हैं, गैंगस्टर है। सबसे बड़ी बात यह कि मोहाली पुलिस पंजाब के लिए 2.5 लाख का इनामी, जी हाँ, गैंगस्टर राजू बसोती, उसका उन्होंने पासपोर्ट बना लिया, फर्जी तरीके से पासपोर्ट बना दिया और वो बंदा भाग गया थाईलैंड, और उसकी फिर जांच में आई तो फिर उसके धीरे धीरे पुलिस ने तहकीकात निकाली, जैसे जैसे जो कांस्टेबल है उन्होंने एड्रेस बताए, वहां पुलिस पहुंची, उनके बाद में पता लगा कि जिन लोगों के नाम से पासपोर्ट बनाए वो रियल में है ही नहीं। जैसे सपोज करिए पासपोर्ट बना दिया नरेंद्र के कमार, नरेंद्र सुनो फलाना फलाना फलाने गांव का एड्रेस दे दिया पासपोर्ट में, पासपोर्ट बन चुका है, लेकिन वहां पे पुलिस वहां उस एड्रेस पे गई तो वहां पे पता लगा कि इस नाम से कोई बंदा ही नहीं रहता इस गांव में है। इतना ज्यादा फर्जीवाड़ा इन तीन लोगों ने किया, दो कांस्टेबल थे, एक उनका दलाल था, तीनों ने मिलके मेरे हिसाब से करोड़ों रुपए इन्होंने छापे थे, तीनों जने मिलके ये पैसा बांट लेते थे आपस में। मोहाली की स्पेशल जो क्राइम टीम है वो कोशिश कर रही है मैन आरोपियों तक पहुंचने के बाद में, उनके पहले वहां पहुंचे कि जो मैन आरोपी है उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है कि भाई 41 पासपोर्ट है, उनका पासपोर्ट बन गया, वो आजकल लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी स्थिति में है, उसके बाद में जिन लोगों के नाम से पासपोर्ट बने हैं वहां पे वेरीफाई करेगी पुलिस जाजा के रियल टीम में कि माजरा क्या है। ये बड़ा मैटर हो गया, 41 पासपोर्ट बनाना कोई छोटी बात नहीं है भाई, देखिए कितनी बड़ी बात है, किस तरह से लोग गेम रस लेते। खास बात इसमें ये बताई गई कि आपको पता है आप पासपोर्ट अपना बना के थाने में जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो आपको दो गारंटर लेके जाने होते हैं, ठीक है, जो अपने डॉक्यूमेंट आपके लिए देता है कि हाँ ये मेरे पड़ोस में रहता है मैं इसको जानता हूँ, लेकिन वो जो गारंटर था वो भी इसमें फर्जी निकला, कितनी बड़ी बात है भाई, उसके डॉक्यूमेंट भी फर्जी हैं, क्योंकि पासपोर्ट में जो वेरिफिकेशन होता है तो गारंटर के तौर पे देखा कि भाई गारंटर को पकड़े तो गारंटर जिस नाम से गारंटी ली उस नाम से कोई बंदा ही नहीं है, इतना ज्यादा झोलझाल फर्जीवाड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस छापेमारी कर रही है, पूरा उन कांस्टेबल्स को पकड़ लिया है, आगे क्या न्यूज आती है जैसी आएगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखें कि 100% आज आप गलत करके खुश होगे लेकिन साल, 2 साल, 3 साल बाद में वो माजरा आपका निकलेगा, आप अंदर जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, काम हमेशा लीगल तरीके से सही तरीके से करें चाहे इसमें टाइम लग जाए। बस आज की जानकारी यही, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय